नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा डी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखो, आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके साथ एनालिसिस सभी वीडियो अपलोडेड है वेबसाइट से भी, वेबसाइट में भी आप जो है हमारे विजिट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखो, कुछ क्वेश्चन करने से पहले हम लोग आज 17th एंड 18th तीनों शिफ्ट में जो जो क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं उसको हम लोग आज जॉट डाउन करके आपको करा रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चंस हैं। और गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लो, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कर देना। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो है, देखो अ ट्रेन स्पीड दिया हुआ है 180 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए कुछ नहीं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हम लोग जानते हैं किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में आने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आंसर आ जाएगा आपका 50। नेक्स्ट देखो, पूछा गया है स्क्वायर फैक्टर ऑफ 256, तो 256 का स्क्वायर फैक्टर पूछा है, तो 1 होगा, 4 होगा, 16 होगा, 64 होगा, 256 खुद भी होगा, तो 5 आपका नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो राम का एज 15 साल दिया है, सैम 6 साल बाद 26 होगा, तो 6 साल बाद 26 होगा तो अभी कितना होगा, 20 होगा, तो अभी प्रेजेंट रेशियो ही निकालने बोला है, तो 15 और 20 तो 3:4 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, और एक इजी क्वेश्चन है, इसमें बोला है 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 14, सबसे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बोलो, तो सबसे लार्जेस्ट के लिए आप 4 9 ले लो, उसको 14 से डिवाइड करो, तो 3 रिमाइंडर आएगा, तो 3 रिमाइंडर आएगा मतलब 3 को माइनस कर दो, तो 9996 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो एक नंबर आपको बोलना है जिसका 60% अगर 60 रिड्यूस कर दें तो आंसर 60 होगा, तो एक्स पकड़ लेते हैं उसको नंबर को, उसका 60% माइनस 60 किए 60 आएगा, सॉल्व करोगे तो 200 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, और एक इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट एवरेज जो है 10 होल नंबर, होल नंबर हम लोग को पता है 0 से स्टार्ट होता है 9 तक खत्म होगा, अब इसका क्या होता है एवरेज, ऑब्वियसली 4.5 ही होगा इसका, ठीक है ना, आपको देखने की जरूरत नहीं है, 4.5 ही होगा इसको, अब फिर ऐड करके डिवाइड करना 9 से, ऑब्वियसली वो 4.5 है, 9 का आधा करो ना तो 4.5 ही आता है। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 358, तो देखो ये मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है रेशियो प्रोपोर्शन में, देखो सेम क्वेश्चन ही आ रहे हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 35 एक्स हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे हम लोग क्या जानते हैं, ये दिस वन मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू दिस वन, ठीक है, तो करोगे तो 313 1/3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नॉर्मल सर 30 मिनट में एक टैब भरता है और एक 60 मिनट में करता है, टुगेदर क्या करेगा, तो ये इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, और जो है इसका हम लोग जो है ये एफिशिएंसी आ गया, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी करोगे तो टाइम आ जाएगा, ठीक है 20 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 ऑड नंबर, तो 50 ऑड नंबर, देखो 50 नंबर्स नहीं बोले हैं, 50 डायरेक्टली ऑड नंबर्स बोले, तो आप जस्ट आप इसको स्क्वायर कर दो, ठीक है, अगर सब तो 50 नेचुरल नंबर्स बोलता तो 25 का स्क्वायर होता, ठीक है, क्योंकि उसमें 25 ऑड नंबर और 25 इवन नंबर होते हैं। ओके, फाइंड रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ जो है 28:24 का रेशियो निकालने के लिए, तो 28:24 का आपका जो है एलसीएम कितना होगा, ये पूरा होगा, और एचसीएफ कितना होगा, सिर्फ ये दो होगा, तो 14/1 तो 6:1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, व्हाट टू ऐड टू मेक 1670 का परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, 1670 का 1640 और 41 का क्या होता है 1681 हो आएगा, तो सबसे नज़दीक कितना होगा, देखो ये 70 माइनस करना पड़ेगा, ये सिर्फ 11 ऐड करना पड़ेगा, तो आपका देखो आ गया, आपको अगर थोड़ा सा स्क्वायर की ये है आपको कुछ करने भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो व्हाट इज़ 50 ग्राम परसेंट ऑफ 2 kg, कुछ नहीं, 50 ग्राम 2 kg मतलब 2000 ग्राम × 100 2.5% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पर्सन बाय अ साइकिल खरीदता है 1400 में और सेल करता है 50% लॉस में, कितना हो जाएगा, तो 15% लॉस में करता है, तो 1190 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या दिया है, एसआई दिया हुआ है 150, टाइम 6 महीना, रेट 4%, सम पूछा है, तो देखो अगर रेट 6% है तो साल में इसका कितना होता, ऑब्वियसली अगर रेट आपका जो है 4% है अगर दिया हुआ है तो 2% हो जाता साल में, ठीक है, तो ऑब्वियसली 4% तो ऑब्वियसली साल भर का जो है आपका 2% हो जाता, तो देखो ये क्या है, ये 4% रेट जो है वो साल भर का है, तो 6 महीने के लिए 2% हो जाएगा, अब देखो 2% मतलब ही 150, 1% कितना 75, तो 100% मतलब 750 का देखो आप अगर निकालोगे 4% 6 मंथ्स का तो वही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्यूब रूट निकालने के लिए बोला है 1728, तो ऑब्वियसली देखो क्यूब रूट आपको एटलीस्ट 15 तक याद रखना ही पड़ेगा, अगर रख लोगे तो आपका 12 एकदम आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एलसीएम निकालने बोला है, कुछ नहीं है यार एलसीएम निकालने के लिए, बच्चों जैसा एलसीएम निकाल दो 252 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया हुआ है। कुछ लोग जो है 12 दिन में कुछ काम करते हैं और देन डबल मैन हाफ ऑफ द वर्क करेंगे कितने दिन में। ठीक है, तो मैन वन को एक्स मान लेते हैं और क्योंकि डबल करेंगे तो 2x हो जाएगा। डी वन हम लोग को 12 दिया हुआ है, डी टू नहीं पता है, डी टू लिख लिया। वर्क कितना दिया, इसका वन है और इसका कितना वर्क है, आधा है, तो आपका 3 डेज निकल जाएगा। तो चलिए गाइस, ये था क्वेश्चन 17 का। उसके बाद हम लोग 18 का भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कर देना। बाय।